नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कुक विद सुषमा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों से दिवाली स्पेशल स्वीट्स, जिसे हम लोग डेसिकेटेड कोकोनट से बनाएंगे, इसमें ना तो खोए की जरूरत है ना कोई चाशनी की, बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये पेड़े बनाकर रेडी करेंगे और इस दिवाली रिश्तों में मिठास लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1/2 टीस्पून घी डालेंगे। घी गरम हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये आसानी से ग्रोसरी स्टोर में मिल जाता है। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और 3 से 4 मिनट तक हम इसे लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे। बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट बदल जाता है। इसे भूनते हुए करीब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप मिल्क। तो हम कोई भी एक कटोरी से नाप ले सकते हैं, तो जिस कटोरी से हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाला था उसी से हम डालेंगे इसमें 1 कप या कटोरी मिल्क। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम लो और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें जितना भी मिल्क है वो पूरा डेसिकेटेड कोकोनट एब्जॉर्ब ना कर ले, तब तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए काफी गाढ़ा हो गया है, मिल्क पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है कोकोनट ने। अब हमने जिस कप से डेसिकेटेड कोकोनट डाला है और मिल्क डाला है, इसी कप से हम डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। और ये देखिए पूरा डो कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ रहा है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है कढ़ाई में, तो इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे कढ़ाई में ऐसे फैला देना है। इसे बिल्कुल हमें ठंडा करना है, इतना ठंडा करना है कि हम इसे हाथ से टच कर सकें। ये देखिए ठंडा हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें फ्लेवर के लिए रोज वाटर। आप रोज वाटर की जगह कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ रोज वाटर। हमें बिल्कुल 2 ड्रॉप डालना है। अब मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हमें इसमें ऐड करना है 1/2 कप पाउडर शुगर, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ज्यादा अगर डो गर्म रहेगा उसी समय हम अगर इसमें शुगर ऐड कर देंगे, पाउडर शुगर, तो ये पानी छोड़ने लगेगा, तो इस वजह से हमें पहले इसको ठंडा करना है। बस इतना गर्म हो कि हम इसे हाथ से टच कर सकें, उसके बाद उस स्टेज पे हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। ये मैंने एक प्लेट में डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से एकदम गोल, और इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे। अब हम इसे डेसिकेटेड कोकोनट इसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे इस तरीके से। इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा। अभी आप देखिएगा, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बिल्कुल हलवाई वाले पेड़े लग रहे हैं। तो आप लोग इस दिवाली इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी पेड़े बन के रेडी होते हैं और इनके सामने सभी खोए वाली मिठाइयाँ फेल हैं। इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना के रेडी कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए सारे पेड़े बना लिए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो गार्निशिंग आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज से कर सकते हैं, तो मैं आज इसकी बादाम से गार्निशिंग कर रही हूँ इस तरीके से। ये
ये देखिए पेड़े बनके रेडी हो गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। इनको देख के कोई बता ही नहीं सकता कि ये आपने घर पे बनाए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग कुक विद सुषमा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।